Hey guys, welcome to my YouTube channel, Ideological One Destination for All Information. <music> तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं स्कूल रीओपनिंग डेट के बारे में ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना यहाँ पे जो है एम और एन सी आर कुछ स्ट्रेजटीज़ बना रही हैं कि किस तरीके से हम जल्द से जल्द जल जो है इसको रीओपन कर सकें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं ऑनलाइन क्लासेस में वो स्टूडेंट्स को फ़ेस करनी पड़ रही हैं और हो सकता है इस तरीके से आने वाले समय में अगर ये जो सिचुएशन है ये लॉन्ग बनी रहे तो हो सकता है जो स्ट्रेजटीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और जो भी मैं रीओपनिंग डेट के बारे में बताने वाला हूँ वो सब आपके लिए ज़रूरी बन जाए तो इस वीडियो को स तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारे के सारी जो इंफॉमेसन है एम की तरफ से और एनसीआर की तरफ से क्या मीटिंग चल रही है वो आपको पता चल पाए तो यहां पर देखिए मिनिस्ट्री ऑफिशियल के मुताबिक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें मिली है कि क्लास फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक ध्यान से सुनिएगा क्लास फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक यानी कि हम कहें एज ग्रुप के अनुसार तो सिक्स से लेकर टेन ईयर के एज ग्रुप में जो बच्चे आते हैं वो हो सकता है उनको ना बुलाया जाए स्कूल क्योंकि हो सकता है जितने भी सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स हैं और जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो सही से उन्हें फॉलो तो ना कर पाएं ठीक है फिर उसके बाद यहां पे एचआरडी मिनिस्ट्री जो है एनसीआरटी के साथ काम कर रही है कि एक बेसिक गाइडलाइन बनाई जाए स्कूल के रिओपनिंग को लेकर जैसे इसे ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा यानी जब यह इसे पास कर दिया जाएगा तब आपके जो है मैं कह सकता हूं या आपको कंफर्म हो जाएगा लेकिन अभी के अनुसार इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यही है कि क्लास फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक जो आपके एज ग्रुप हैं सिक्स से लेकर टेन एज ग्रुप में उनको जो है स्कूल ना आने दिया जाए ऐसा कहा जा रहा है वहीं में अगर जो मीटिंग में जो जो फैसले लिए गए हैं यानी जो ड्राफ्ट किए गए हैं तो वो मैं आपको बता दूं तो यहां पे आप देख सकते हैं जैसे कि स्टेटमेंट है एक सीनियर ऑफिशियल की जिन्होंने कहा है ऑल स्टूडेंट ऑफ ऑल सीनियर क्लासेस विल नॉट बी कॉट टुगेदर यानी कि जितने भी सीनियर क्लासेस के अब ऐसा मत सोचिएगा कि सारे के सारे क्लासेस के, क्लासे के बच्चों को बुला लेंगे फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्लास में पचास बच्चे रहते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि एक जैसे मान लीजिए क्लास एलेवंथ है उसको अगर बुलाया जाएगा तो एक में पचास बच्चे हैं तो उसमें बैचेस डिवाइड कर दिए जाएंगे यानी कि या तो पच्चीस पच्चीस कर सकते हैं या दस दस करके या पंद्रह पंद्रह करके ऐसे बैचेस में लोगों को बुलाया जाएगा ऐसे ही आप यहाँ पे स्टेटमेंट दे सकते हैं दे विल अराइव इन बचेस ओवर अ फ्यू डेज सो दैट द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टाइम टू ब्रीव दैम ऑन द न्यू सिटिंग अरेंजमेंट एंड न्यू रूल्स ऑफ स्कूल लाइफ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑफिसर का बयान है और ये सारे जो मीटिंग्स हैं ये फैसले में लिए जा रहे हैं क्योंकि तो मैंने आपको सबसे पहले बता दिया है यहाँ पे बताया गया है कि हर एक क्लास को जो है पंद्रह से बीस स्टूडेंट्स के बैच में डिवाइड करना होगा और इसी के साथ ये सारे सारे जो गाइडलाइंस है सिटिंग अरेंजमेंट जो है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो किया जाएगा जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में जो है सिक्स फीट का लगभग जो है फ़ासला रहना चाहिए तो यहाँ पर हम मैं कह सकता हूँ कि एक बार में पूरी क्लास नहीं आ पाएगी थोड़ा थोड़ा करके जैसे एक हफ्ते में तीन बार फर्स्ट बैचेस को बुला लिया सेकंड बाकी तीन दिनों में एक हफ़्ते में दूसरे बैच को बुला लिया तो इस तरीके से यहाँ पे जो बैच है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा तो यहाँ पे जो स्कूल है जो एक ब्लेंडेड फॉर्म ऑफ लर्निंग फॉलो करेगा जिसमें बैच होगा जिसमें मैं कह सकता हूँ आधे लोग स्कूल जाएंगे और आधे लोग नहीं जाएंगे और बाकी जो नहीं जाएंगे उनको कोई टास्क दे दिया जाएगा जो कि मतलब सेकंड बैच वाले होंगे सपोज वो अगर नहीं आए हैं स्कूल तो उन्हें कोई उसके बदले में टास्क दे दिया जाएगा कि ये टास्क या ये होमवर्क आपको करके आना है सबको जो मास्क है वो पहनना मैंडेटरी होगा और जो स्कूल कैंटीन्स हैं वो सब भी फंक्शन नहीं करेंगी यहाँ तक कि आपके जो स्कूल प्ले वगैरह हैं वो तो ऑब्वियसली नहीं होगा और यहाँ पर इंकरेज किया जाएगा कि बच्चे अपना लंच लेके आए मॉर्निंग असेंबली की बात करें यहाँ तब मॉर्निंग असेंबली का ये है कि मॉर्निंग असेंबली प्रोहिबिटेड है कुछ महीनों के लिए और वहाँ पर हैंड सैनिटाइजेशन भी होगा हर एक स्टेशन पर हर एक लोकेशन पर स्कूल कैंपस के और पेरेंट्स को भी अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो स्कूल कैंपस के इनसाइड साइड आएँ और यहाँ पर जो है चिल्ड्रन को ड्रॉप जो है गेट पर ही कर दें तो यहाँ पर डिफरेंट एंट्रीज होंगी डिफरेंट जिट पॉइंट्स होंगे तो इसके हिसाब से ये सारे मैंने आपको ड्राफ्टिंग गाइडलाइंस बताई हैं ये सारे अभी ड्राफ्ट हैं यानी कि इनका भी कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है लेकिन मेरे हिसाब से इन सारे सारे अगर सिचुएशन लॉन्ग जाती है तो आपको इन सबको ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा और आप ऐसा ही अज्यूम कर सकते हैं ऐसे ही अपने इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा जो अब स्कूल लाइफ होने वाली है वो इसी तरीके की कुछ हो सकती है तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये इंपॉर्टेंट इन्फार्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर कीजिएगा इसी के साथ मैंने कुछ स्टडी मटेरियल्स अपने चैनल पर प्रोवाइड कर रखे हैं वहाँ पर जाकर आप इसको चेकआउट कर सकते हैं ताकि आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट इफॉर्मेशन और सी बी एस ई लटेस्ट अपडेट और अदर स्टेट बोर्ड एग्जाम्स के लेटेड अपडेट लाते रहते हैं तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत